जमशेदपुर में टैल्को मजदूर यूनियन के द्वारा यूनियन के कार्यकलापों के निर्धारण को लेकर एक बैठक का आयोजन गोविंदपुर स्थित पार्टी कार्यालय में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी मौजूद रहे। मौके पर यूनियन के अध्यक्ष बीएन सिंह, महासचिव अंबुज ठाकुर समेत तमाम यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान यूनियन के द्वारा किए जा रहे मजदूर हित के कार्यों को विधायक के समक्ष रखा गया। वहीं यूनियन कार्यालय के जीर्णोद्धार करवाने के लिए भी उन्होंने क्षेत्र के विधायक से आग्रह किया। विधायक मंगल कालिंदी ने इस दिशा में कार्य करने का भरोसा दिलाया, साथ ही गोविंदपुर इलाके में सड़क को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने का भरोसा दिलाया। वहीं यूनियन के महासचिव अंबुज ठाकुर ने भी विधायक मंगल कालिंदी का अभिनंदन किया और क्षेत्र की समस्याओं के प्रति एक सजग जन प्रतिनिधि बताया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि माननीय हमारे विधायक मंगल कालिंदी जी आज इस जनचेतना केंद्र में, गोविंदपुर के इस जनचेतना केंद्र में आकर के और लोगों के बीच जो धरातल पर काम को करने का कमिटमेंट किया था उसको दिखता है। आज बहुत सारे जगहों पर इन्होंने डायरेक्ट मजदूरों से, आम जनता से, गरीबों से, छात्रों से, नौजवानों से मिल करके और उनके जो समस्या है उस पर एक खड़ा उतर रहे हैं। और इसीलिए हमारा जो यहाँ का जो सेक्रेटरी है गोविंदपुर जनचेतना केंद्र के तरफ से आज हम लोग स्वागत समारोह इनके ये में रखे थे और बहुत ही हम लोग गदगद हैं कि आज हमारे बीच विधायक जी आए हैं। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। ग्रीनरी इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आवर माइंड दैट बेसिकली देयर शुड बी good opportunities for the students of Giridi, those who are leaving the town and going outside for, you know, studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.